अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहसिन, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सट्रीम। मैं हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी वालों की तरफ से आने वाले एक और न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। और अब तो जब रियलमी वालों की कोई न्यूज़ आती है और पता चलता है कि रियलमी वाले एक और न्यू स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, तो दिल ही नहीं करता आप लोगों को बताने का, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, जिनमें सरफ़रिस्त रियलमी 6 आए, रियलमी 6 और 6 प्रो है, जिनकी प्राइसिंग उन्होंने इतनी ओवर प्राइस रख दी पाकिस्तानी मार्केट में कि लोगों ने तो यही समझा था कि एक बेहतर प्राइसिंग पर रियलमी वाले लॉन्च करेंगे इन स्मार्टफोन को, और उनके फैन डिसअपॉइंट हुए हैं कि उन्होंने ये कैसी प्राइसिंग रख दी पाकिस्तानी मार्केट में, जो कि अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अपनी प्राइस को भी जस्टिफाई नहीं कर सकती। तो यही वजह कि अब दिल भी नहीं करता रियलमी वालों के आपको जो है स्मार्टफोन के बारे में बताने का कि यार अब एक और न्यू स्मार्टफोन आने वाला। पर क्या करें, हमारा काम है आपको टेक से रिलेटेड न्यूज़ प्रोवाइड करने का, तो हम तो वो प्रोवाइड करते रहेंगे। और अगर हमारे हाथ में होता, पर्सनली हमें होता कि हम किसी स्मार्टफोन की प्राइस रखें, तो हम ऐसी प्राइस रखते कि जो कि वाकई उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उस प्राइस को जस्टिफाई करती। यहाँ पर रियलमी वालों का खैर कहना है कि रियलमी वाले आप लॉन्च करने वाले हैं पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ही जल्दी रियलमी 6s को। यहाँ पर मेरा ये ख्याल है कि इस बार इस स्मार्टफोन को वो एक बेहतर प्राइस पर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दें शायद, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की गई हैं वो काफ़ी हद तक वैसी होने वाली है जैसा कि आपको रियलमी 6 के अंदर प्रोवाइड की गई हैं, पर थोड़ी चेंजेस देखने को मिलने वाली हैं। इसकी क्या प्राइसिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन निकल के आए हैं, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। उससे पहले अगर यार वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा टेक रिलेटेड स्टफ देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करते साथ ही आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन बना रहा हो उसे दबा के ऑल पे कर देना, ताकि फ्यूचर में हमारी कोई भी न्यू वीडियो निकल के आए तो आप उसे मिस आउट ना कर सकें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर मार दो। रियलमी वालों का कहना है कि रियलमी 6s के अंदर आपको जो डिस्प्ले दिया जाएगा वो तकरीबन वैसा ही होगा जैसे कि आपको रियलमी 6 के अंदर प्रोवाइड हुआ था। यहाँ पर भी आपको 6.5 इंचज का IPS LCD वाला डिस्प्ले दिया जाएगा, जो कि पंच होल की स्क्रीन के साथ आएगा, और यहाँ पर आपको पंच होल की प्लेसमेंट लेफ्ट साइड पर ही मिलेगी, और पंच होल के अंदर आपको कैमरा मिलेगा आपका सेल्फी कैमरा, जो कि होगा 16 मेगापिक्सल का। स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश देखने को मिलेगा, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी हद तक वही स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड की गई हैं जो कि रियलमी 6 के अंदर देखने को मिली है आपको। यहाँ पर भी आपको फ्रंट साइड पर जो है कोडिंग ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है, और स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो 1080p फुल HD प्लस की स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आया है। स्मार्टफोन की साइड्स पर आपको प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, और जहाँ पर आपका पावर ऑन ऑफ बटन होता है वहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की सपोर्ट दी गई है। बैक साइड पर आपको पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई प्लास्टिक की बैक देखने को मिल रही है, और बैक साइड का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल वैसा है जैसा कि आपको रियलमी वालों का रियलमी 6T के अंदर देखने को मिला था। बैक साइड पर लगाया गया क्वाड कैमरा सेटअप, जहाँ पर आपको एक कैमरा 48 मेगापिक्सल का वाइड का दिया गया है, दूसरा कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर का दिया गया, तीसरा कैमरा यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो का प्रोवाइड हुआ है, और फोर्थ कैमरा यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का दिया गया है। जबकि अगर रियलमी 6 की बात की जाए तो वहाँ पे आपको मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिला था। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि कैमरा वाइज यहाँ पे थोड़ी डाउनग्रेड किया गया है। स्मार्टफोन के अंदर आपको जो चिपसेट देखने को मिल रहा है वो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपको रियलमी 6 के अंदर प्रोवाइड हुआ है। यहाँ पर भी आपको मीडियाटेक का हीलियो G90T का चिपसेट दिया गया है, जो कि एक 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड चिपसेट है। CPU यहाँ पे भी आपको ऑक्टा कोर दिया गया है, और GPU यहाँ पे आपको माली G76 प्रोवाइड हुआ है। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन आप लोगों के पास एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट के साथ आएगा। रियलमी वालों का UI आपको यहाँ पे लेटेस्ट देखने को मिलेगी। इंटरनल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अभी तक ये कंफर्म किया जा रहा है कि इसके एक ही वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पे आपको एक 4GB रैम देखने को मिलेगी और 64GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, और ये स्मार्टफोन की जो इंटरनल है वो UFS 2.1 की स्टोरेज को सपोर्ट करती है। यहाँ पे आपको कोई पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं इस बार इंप्लीमेंट की, शुक्र है उन्होंने EWMIC की स्टोरेज को छोड़ दिया, यहाँ पे UFS 2.1 को इंप्लीमेंट किया है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 4300 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, टाइप सी की पोर्ट को भी यहाँ पे लगाया गया है, और यहाँ पे आपको 30W का फास्ट चार्जर दिया गया है। और रियलमी वालों का कहना है कि 100% चार्ज जो है ये 55 मिनट्स के अंदर करेगा, यानी कि एक घंटे के अंदर तकरीबन ये आपको 100% फुली चार्ज कर देगा। तो यही ओवरऑल स्पेसिफिकेशन निकल गया है रियलमी 6s की, जहाँ पे पर्सनली मुझे ये लगता है कि अगर रियलमी वाले चाहते हैं कि इसको पाकिस्तानी मार्केट में वो सक्सेसफुली सेल करें, और वो चाहते हैं कि वो दोबारा से अपने फैंस बनाएं, और जिन फैंस को उन्होंने डिसअपॉइंट किया वो दोबारा से वापस आ जाएं, तो उनको इस
इसकी प्राइसिंग जो है वो एग्रेसिव रखनी पड़ेगी। अगर वो स्मार्टफोन को 30,000 से 33,000 रुपए की प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करते हैं तो ये स्मार्टफोन काफ़ी सेल होने वाला स्मार्टफोन बनने वाला उनका। यहाँ पे उनको ये याद रख लेना चाहिए कि रेडमी नोट 9 और नोट 9 प्रो आने वाले, तो अगर उन्होंने इसकी प्राइसिंग को ख़राब रख दिया तो उसके बाद कभी भी रियलमी वालों का कोई स्मार्टफोन किसी ने नहीं लेना जब तक वो अपनी प्राइस टैग को सही नहीं करेंगे। अगर आपने रेडमी नोट 9 और नोट 9 प्रो मैक्स की वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जहाँ मैंने उसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक प्रोवाइड की है। वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाली है वो वीडियो। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू मोबाइल के अनबॉक्सिंग के साथ किसी न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।